क्या आपको एसिडिटी रहती है? यदि हाँ तो ये वीडियो आप ही के काम की है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एसिडिटी की तकलीफ दिन ब दिन हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। रोज नए नए पेशेंट एसिडिटी से ग्रस्त हमें हमारे ओपीडी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कारण है, किस वजह से एसिडिटी के जो पेशेंट है वो आजकल हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? साथ ही साथ एसिडिटी के अंदर हमें क्या वो लक्षण है जो देखने को मिलते हैं, क्या वो सिम्टम्स है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये एसिडिटी हो सकती है, और साथ ही साथ वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां है जो एसिडिटी पर काफी कारगर साबित होती है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी से पहले अनुरोध रहेगा कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाल बटन को दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। दोस्तों हम बात कर रहे थे एसिडिटी के बारे में। तो आजकल हमें एसिडिटी के पेशेंट ज्यादा क्यों देखने को मिल रहे हैं? पहले तो एसिडिटी की शिकायत इतनी ज्यादा प्रमाण में लोगों के अंदर नहीं देखने को मिलती थी, तो इसका मुख्य कारण जो मेरे ध्यान में आता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस दिन ब दिन लोगों के जीवन में बढ़ता जा रहा है, हरीड वरीड नेचर लोगों का हो गया है, हर चीज की घाई गड़बड़ है और हर एक से आगे बढ़ने की होड़ है। तो इस होड़ में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हम जी रहे हैं, जी क्या रहे हैं हम, जिंदगी काट रहे हैं ऐसा कहा तो भी चलता है। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हमारे माइंड के ऊपर रहता है और इस स्ट्रेस की वजह से कई बार हमें एसिडिटी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रॉपर है, इस वजह से भी हमें एसिडिटी के जो प्रमाण है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। हम समय पे खाना नहीं खा रहे हैं, सुबह का खाना शाम को खा रहे हैं, शाम का खाना रात को खा रहे हैं, कई बार तो रात को दो दो बजे आके खाना खा रहे हैं और सो जा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हमारे लाइफस्टाइल के अंदर है, लिविंग हैबिट्स बहुत ही इम्प्रॉपर है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने को कोई देखता नहीं है, लोग दिन भर गाड़ी पे ही घूमते हैं, साइकिल चलाना तो मानो लोग भूल ही गए हैं, और फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कोई भी एक्टिविटी लोग करते नहीं है। तो इन सभी का जो मिक्स परिणाम है वो है बढ़ी हुई एसिडिटी। साथ ही साथ नींद की तरफ भी लोग ख्याल नहीं देते हैं, प्रॉपरली सोते नहीं है। पहले हमारे बचपन में भी मुझे याद है कि 9 बजे का जो टाइम था रात का वो नींद का हुआ करता था, तब तक सब सो जाते थे, सब सुनसान हो जाता था और सुबह 6 बजे उठ जाया करते थे। लेकिन अब हमारा जीवन शैली ही ऐसी हो गई है कि 12 बजे सोना एक नॉर्मल रूटीन का पार्ट हो गया है, 12 एक बजे सो और सुबह 5-6 बजे उठ के फिर से काम पे लग जाओ। तो ऐसे में बॉडी को जो प्रॉपर रेस्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है और इस वजह से भी हमें एसिडिटी बढ़ी हुई देखने को मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया, हरीड वरीड हर चीज की चिंता, कल सुबह हम क्या करेंगे, बॉस ने क्या प्रोजेक्ट दिया है, हमारे व्यवसाय में हमें क्या करना है, नए आयाम को कैसे छूना है, इस बारे में बहुत ज्यादा सोचना, विचार करना और उसकी विचारों में चिंता में खोए रहना, इन स्वभाव के जो लोग होते हैं उनके अंदर हमें एसिडिटी का प्रमाण ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों से हमें एसिडिटी बहुत ज्यादा होती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरी बीमारियां जिससे एसिडिटी बढ़ जाती है उनका भी प्रमाण बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि यदि किसी को थायराइड की तकलीफ है तो उसे एसिडिटी हो सकती है, थायराइड के पेशेंट्स हमें आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पेट की बीमारी है, सीलिएक कैंसर है, या फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर GERD जिसे हम कहते हैं, जिसमें पेट का जो कंटेंट है वो हमारा ऊपर इसोफेगस के अंदर आ जाता है, अन्न नलिका में आ जाता है। तो ऐसी बीमारियों की वजह से भी हमें एसिडिटी का प्रमाण ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन सभी बीमारियों का भी जो चलन है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसलिए एसिडिटी के पेशेंट हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब लक्षण क्या क्या हमें एसिडिटी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले तो हमें जलन देखने को मिलता है, भारीपन हमें अक्सर पेट के ऊपर देखने को मिलता है, ब्लोटिंग हमें पेट के अंदर देखने को मिलता है, कई बार तो गैसेस भी होती है और फ्लेटस भी हमें पास होता हुआ देखने को मिलता है एसिडिटी के साथ में। साथ ही साथ हमें नौशिया देखने को मिलता है, यानी जी मचलता है, उल्टी नहीं होती है लेकिन जी मचलने जैसा सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर सीवियर है तो वोमिटिंग भी पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ पेट के अंदर दर्द अक्सर पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा डकारे भी हमें
पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। पेशेंट कई बार कहेगा कि गले के अंदर जलन होता है या खट्टा पानी मुंह में आता है, या कई बार पेशेंट लिटरली कहता है कि एसिड मेरे मुंह में आ रहा है, इतना ज्यादा खट्टा पदार्थ मेरे मुंह के अंदर आता है, ऐसे पेशेंट डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा एसिडिटी के साथ में हमको कभी कभार डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो ये सभी थे लक्षण जो हमें एसिडिटी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो हम एसिडिटी के अंदर काफी अच्छी तरह से यूज करते हैं, तो सबसे पहली जो दवा ध्यान में आती है वो है रोबिनिया 3X। रोबिनिया 3X एसिडिटी, सीवियर एसिडिटी जिनको होती है उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है। बहुत अच्छी दवा है रोबिनिया 3X। इसकी दो दो टेबलेट आपको सुबह शाम लेनी है। लक्षण की तरफ ध्यान दीजिएगा, रोबिनिया के अंदर एसिडिटी के साथ में हमको यहाँ पे सामने की तरफ हेडेक पेशेंट के देखने को मिलेगा, फ्रंटल हेडेक देखने को मिलता है। साथ ही साथ एसिडिटी जो होती है पेशेंट की वो रात के समय हमें ज्यादा होती हुई देखने को मिलती है, और जब पेशेंट लेट जाता है तब लेटने के बाद में एसिडिटी की तकलीफ पेशेंट को ज्यादा होती है, और इसके साथ में कई बार पेशेंट को वोमिटिंग भी होती है, उल्टी भी हो जाती है जो काफी खट्टी होती है, एक्रिड वोमिटिंग हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सभी लक्षण यदि आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है, ऐसे पेशेंट के अंदर जिसके अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी की तकलीफ है, तो रोबिनिया 3X की दो दो टैबलेट सुबह दोपहर शाम पेशेंट को कंटिन्यूअसली देने से काफी हद तक आराम मिल जाता है। इसके अलावा सीवियर एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी दवा है नैट्रम फॉस 6CH। ये बहुत ही बेहतरीन दवा है सीवियर एसिडिटी के लिए। जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव एसिडिटी पेशेंट के अंदर हो, पेशेंट को जब हम जुबान बताने को कहते हैं तो जुबान के पिछले हिस्से में हमको पीला कोटिंग देखने को मिलता है, साथ ही साथ कोटिंग इतना ज्यादा होता है कि जुबान पे तो होता ही होता है लेकिन ऊपर भी जो हमारा तालू होता है उसका भी पोस्टीरियर एरिया हमको येलो कलर का देखने को मिलता है। साथ ही साथ खट्टी डकारे कई बार पेशेंट के अंदर हमें आती हुई देखने को मिलती है, और कई बार एसिडिटी के साथ में वोमिटिंग भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सभी लक्षण यदि आपको कोई रोगी के अंदर देखने को मिलते हैं तो आप दीजिए नैट्रम फॉस 6CH, बहुत ही अच्छी दवा है। आपको ये दवा दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम पेशेंट की जुबान पे डायरेक्टली डालना है, और कंटिन्यूअसली यदि आप ये दवा लेते हैं तो पेशेंट को काफी हद तक हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी दवा है वो है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज 30 उन अमीर लोगों के लिए जो काफी रिच फूड खाते हैं, पनीर और ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीजें जो बहुत ज्यादा खाते हैं लोग, ऐसे लोगों के अंदर हमको कार्बोवेज के रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। सीवियर गैसेस पेशेंट को एसिडिटी के साथ में हमें देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा गैसेस होंगे, पेशेंट का जो ऊपरी हिस्सा होता है पेट का वो भरा भरा लगता है और वहां पे गैसेस जमा हुए हैं, इस तरह का सेंसेशन अक्सर कार्बोवेज के पेशेंट को होता है। और साथ ही साथ कार्बोवेज का पेशेंट दूध नहीं पिएगा, अक्सर हम देखते हैं कि एसिडिटी का जो रोगी होता है वो ठंडा दूध पीना प्रिफर करता है, उससे उसको आराम होता है, लेकिन कार्बोवेज की तकलीफें बढ़ जाती है और वो कभी भी दूध नहीं पिएगा। यदि ये लक्षण आपको किसी रोगी के अंदर देखने को मिलते हैं तो आपको देना है कार्बोवेज 30 की दो दो बूंदे सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूअसली आप 1.5-2 महीने तक के ये दवा दीजिए, और पेशेंट के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों जाते जाते हमारी फोर्थ और लास्ट मेडिसिन बता देता हूँ जो एसिडिटी के लिए अक्सर बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, वो है पल्सेटिला 200। बहुत अच्छी दवा है, एसिडिटी तो पेशेंट को होती है, कई बार एसिडिटी में पेशेंट करता है पानी पीने का काम, पानी पी लेने से उसको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे कैच है पल्सेटिला के केस में, क्योंकि पल्सेटिला का पेशेंट चाहे कितनी भी एसिडिटी हो पानी पीना अवॉइड करेगा, कभी भी पानी नहीं पीने की कोशिश नहीं करेगा, उसे ज्यादा प्यास भी नहीं लगती है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा डकारे पेशेंट को आती है, खासकर शाम के टाइम में एसिडिटी के साथ में यदि शाम के टाइम में डकारे आती है किसी को तो आप पल्सेटिला 200 दे सकते हैं। और पल्सेटिला का जो पेशेंट होता है थोड़ा माइल्ड होता है, रोना वगैरह बहुत जल्दी आता है, तो ये मानसिक लक्षण भी हमें पल्सेटिला के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यदि आपको ये लक्षण किसी पेशेंट के अंदर, किसी रोगी के अंदर देखने को मिलते हैं तो पल्सेटिला 200 की दो दो बूंदे सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूअसली 2 महीने तक के दीजिए, पेशेंट को काफी हद तक हमें आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मैंने दवाइयां यहाँ बताई ये कुछ ही है, इसके अलावा भी बहुत सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो लक्षणों के हिसाब से एसिडिटी के ऊपर देते हैं, और मेनली होम्योपैथिक दवाइयां जो है वो लक्षणों से ही ड्रिवन होती है, तो लक्षणों को मैच जरूर कीजिए, और लक्षण यदि मैच हुए तो दवा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी।
यदि लक्षण मैच नहीं हुए तो दवाओं का कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसमें फिर मेरी भी गलती नहीं है और मेरे पैथे की भी गलती नहीं है। तो दोस्तों ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लक्षणों को मैच करके ही दवा लीजिए। यदि यहाँ पे मैंने जो दवाइयाँ बताई उसके लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो जरूर उन दवाइयों को लीजिए। यदि लक्षण आपके कुछ अलग है तो आप किसी नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, या आप चाहो तो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन एसिडिटी के बारे में। आशा करता हूँ कि ये जो डिस्कशन हमने किया ये आप सभी को पसंद आया होगा। इसी तरह का इंटरेस्टिंग सा इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो लेके आपके सामने फिर अगले हफ्ते हाजिर होगा। तब तक लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।